शिवपुरी के दिनारा ग्राम पंचायत में हर साल की तरह एक विशाल मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई तरह के सांस्कृतिक और मनोरंजक कार्यक्रम होते हैं, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और इसी कड़ी में मेले में दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मंत्री और विधायक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा शामिल हुए। इस दौरान जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि समाज की एकता को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के कार्यक्रम होते रहना चाहिए, ताकि लोगों में भाईचारा बना रहे। इसके साथ उन्होंने कहा कि विपत्ति के समय सिर्फ संबंध और भाईचारा ही काम आता है, इसलिए ऐसे ही आयोजनों के जरिए वसुदेव कुटुंबकम की भावना प्रबल होती है, क्योंकि मेले में आए व्यक्ति से न तो उसकी जाति पूछी जाती है और न ही ये पूछा जाता है कि वो किस क्षेत्र का है। प्रसन्नता का इन चीजों से संबंध नहीं है, भाईचारे का इन चीजों से संबंध नहीं है, न वसुदेव कुटुंबकम का इन चीजों से संबंध है। लोग इस भ्रम में पैसे की खातिर अपने रिश्ते नाते तोड़ देते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि विपत्त के समय, आपत्ति के समय सिर्फ भाईचारा और संबंध ही काम आते हैं। इस तरह के मेले हमारे भाईचारे को, वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत को, आज जब भी आप इसमें आओगे मेले के अंदर, तो आपको न तो आप दुकानदार से दुकानदार की जाति पूछोगे, न मेले में दंगल देखने वाले अपने पड़ोसी बैकग्राउंड में व्यक्ति से अपनी जाति पूछोगे, न धर्म पूछोगे। आप दिनारा के हैं, वो दिनारा का है, इतने में प्रसन्नता होगी, वो दतिया का है, हम दतिया के, इतने में प्रसन्नता होगी।